As a WordPress expert, what is the one thing that you will do most of your time? क्या आपने सोचा है कि जब आप वर्ड प्रेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो वो क्या चीज है जिसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो सबसे ज्यादा टाइम आपका लगेगा टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स एंड टू ऑफर देम अ सोल्यूशन विच मेक्स देम हैप्पी योर जॉब एज अ वर्ड प्रेस एक्सपर्ट इज टू मेक योर क्लाइंट्स हैप्पी एंड टू गिव द राइट सोल्यूशन टू योर क्लाइंट्स So, उसके बारे में हम थोड़ी सी इस टॉपिक में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं कैसे आप अपने क्लाइंट से राइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पता कर सकते हैं कैसे आप अपने क्लाइंट को एक सही तरह का सोलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा वो बिडिंग का जो पिच फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी की हियर बिफोर यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, बिफोर यू टेक द रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले तो आप बिड करेंगे वो बिड में क्या पांच चीजें हैं जो सबसे जरूरी हैं नंबर वन इज द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स लेते हुए अपने क्लाइंट को बताना कि ये उनकी प्रॉब्लम है दैट नीड्स टू तो बी सॉल्व इज सुपर क्रूशल आम अवकात में कुछ केसेज में यह भी होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता क्या क्या मसला आ रहा है अगर क्लाइंट आपका कह रहे हैं कि फाइव हंड्रेड इंटरनल एरर मेरी साइट पे आ रहा है तो क्लाइंट को नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली exactly क्या सोल्यूशन है यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू अर्टिकुलेट दैट प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट सेकेंड नंबर पे भी द प्रोडक्ट वट विल यू डू दैट इज गोइंग टू फिक्स योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट एंड दैट इज गोइंग टू बी क्रूशल टू योर वर्ल्ड प्रेस जर्नी यू हैव टू what works for you. you have to learn what really stands out for you and based on that you have to give the right kind of solution to your client. third number, it's the people, as i mentioned before. who log this project are all of them wordpress experts? plugin expert? who are those people? who are those magicians who are going to work together to work on दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोर्थ नंबर पे यू हैव द प्रोग्रेस कि आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि वर्ल्ड प्रेस पर हैं जो कि आपके क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार यही प्रोजेक्ट आप ही कर सकते हैं बट और कोई नहीं एंड द फिफ्थ वन इज ऑब्वियसली योर प्लान फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड दिक्कत बोनस इज द प्राइसिंग तो ये तो हो गए वो छः पीस विच डिफाइन कि कैसे आप बिडिंग करेंगे कैसे आप पिच करेंगे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स कैसे लेनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं मैं आपको इधर कुछ सिनेरियोस देना चाह रहा हूँ उन सिनेरियोस पे बेस्ड करके हम देखेंगे कि क्लाइंट हमसे किस तरह बात करते हैं और क्लाइंट कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को हमसे कराते हैं सिनेरियो नंबर वन सो इमेजिन स्मॉल और मीडियम बिजनेस रीच आउट टू यू एंड सेज कि उन्होंने एक वर्ड की वेबसाइट बनवानी है सो द सिंपल क्वेश्चन इज कि वर्ड की वेबसाइट बनवानी है वट वुड यू से टू इट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर वर्ड प्रेस की वेबसाइट डिफरेंट तरह की बन सकती है सौ डॉलर की भी बन सकती है हजार डॉलर की भी बन सकती है इट्स डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट दैट वट काइंड्रेस वेबसाइट दे वॉन्ट So in that case, what would you do? What are those set of questions that you would ask to your client? Because getting the right requirements from your client and asking the right question is going to be super, super crucial. And that is exactly what differentiates a WordPress expert and a WordPress beginner. A WordPress expert always has the right type of questions to ask. So क्लाइंट आपको कहता है कि एक वेबसाइट बनानी है द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग इज इज इट ओके इफ यू यूज वर्ड प्रेस क्यों बिकॉज आप वर्ड प्रेस के एक्सपर्ट हैं एंड योर जॉब इज टू मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो वर्ड प्रेस की तरफ आए मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वुड नॉट हैव एन इशू विद दिस बिकॉज बिकॉज ऑल ऑफ देम वांट टू टू यूज यूज इट्स इट्स पावरफुल एंड इट हैज गुड एस फीचर्स तो वो पहला क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट को पूछना है इज के वट इज योर प्रिफर्ड सी एम एस इज इट ओके टू यूज वर्ड प्रेस अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि वर्ड प्रेस यूज करना ठीक है तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वट इज द गोल ऑफ द वेबसाइट इज द गोल टू कैप्चर लीड्स इज द गोल

थर्ड क्वेश्चन इज टू आस्क साइट ऑलरेडी बनी हुई है और वो उसको ट्रांसफर करें या दे वॉन्ट अस टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स ऑलरेडी है वेबसाइट विच दे वॉन्ट टू रीड यू और विच दे वॉन्ट टू क्रिएट इन वर्ल्ड प्लेस सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क दैट क्वेश्चन कि भाई आप नई साइट बनवाना चाह रहे हैं या आपकी साइट ऑलरेडी से एग्जिस्ट करती है और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका लिंक उनसे पूछें ताकि आप उस वेबसाइट को खोल के देख सकें कि ये कितनी बड़ी वेबसाइट है एंड यू कैन गेट अ रेफरेंस ऑफ दैट वेबसाइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्ट द क्लाइंट अबाउट देयर करंट वेबसाइट फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन कि भाई कौन सी ऐसी साइट है जो आपको बहुत पसंद है सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन क्लाइंट कम टू यू दे लाइक सम अदर वेबसाइट जिसको वो रेप्लीकेट करवाना चाह रहे होते हैं तो आपका जॉब है कि आप उनसे ही पता करें कि कौन सी और साइट है जिसको उन्हें पसंद है सो यू कैन एक्चुअली विजिट दैट साइट एंड क्रिएट वेरी सिमिलर काइंड ऑफ फील एंड लुक फॉर दिस साइट एक और क्वेश्चन जो आपको अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए इज वट इज देयर बजट भाई बजट से सारी कहानी पता लगेगी कुछ क्लाइंट्स होंगे वो आपको हो सकता है ज़्यादा बजट दे दें कुछ क्लाइंट्स होंगे वो हो सकता है उनको आपको एक छोटा सा बजट दे दें हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड अ बजट असाइन टू इट इज सुपर सुपर क्रूशल एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि बजट क्या है आपके क्लाइंट का और ये कौन बता सकता है ये आपको सिर्फ क्लाइंट ही बता सकता है कि क्या बजट है इट कुड भी टू हंड्रेड डॉलर्स इट कुड भी टू थाउजेंड डॉलर्स और इट कुड बी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर इट रिली डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर सेलिंग व्हाट यूर डूइंग एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बजट असाइंड टू योर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट और कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्या और क्वेश्चन आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है या कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए यू शुड आस्क योर क्लाइंट इफ दे है ब्रांडिंग गाइडलाइन अगर वो कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हो सकता है उनके कोई कलर्स हों कोई थीम्स हों जो जरूरी हों हो सकता है उनके जहन में हो एक सर्टन नंबर ऑफ पेजेस अपनी वेबसाइट पर डालने सो यू आल्सो आस्क अबाउट दैट यू कुड आल्सो आस्क अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट टेक्निकली तो आपको एक फॉर्म बनाना चाहिए इट शुड बी लाइक अ टेन क्वेश्चन फॉर्म जिसपे आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको किस किस तरह की वर्ड वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल ऑफर द राइट काइंड ऑफ सर्विसेज सो so, ये टोटली totally डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरह का एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं सो टू गेट द बेस्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू मस्ट क्रिएट योर ओन क्वेश्चन यू मस्ट क्रिएट एक अपना डिजाइन uh, करदा क्वेश्चन जो आप क्लाइंट को भेजेंगे जिस पे क्लाइंट आगे से जवाब देगा क्योंकि क्लाइंट्स बेतहाश हैं हर तरह के क्लाइंट्स हैं डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स हैं स्मॉल बिजनेसेस हैं मीडियम बिजनेसेस हैं लार्ज एंटरप्राइजेस हैं

यू कैन ऑब्वियसली स्केजल कॉल विद डेम कॉल करके आप उनसे समझ सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हें एक डेमो दे सकते हैं आप उन्हें अपना पुराना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं वो सतरंगी फार्मूला हिशाम भाई का नाम भूलिएगा और साथ ही साथ जो फाइव पीज ऑफ पिचिंग जो मैंने आपको बताए हैं विच विल हेल्प यू विद योर वर्ड प्रेस वेबसाइट एंड बिडिंग एंड फ्रीलांसिंग सो क्लाइंट को अपने साथ साथ लेके चलें अंडरस्टैंड करें कि इट्स बिकॉज ऑफ दोज क्लाइंट दैट यू आर एबल टू डू द जॉब दैट यू आर एबल टू मेक द मनी सो मेक श्योर दैट वट एवर यूर ऑफरिंग इज द बेस्ट दैट वट एवर योर ऑफरिंगज द बेस्ट पोटेंशियल बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू डू थिंग विच विल चेंज नॉट जस्ट योर लाइफ बट द लाइफ ऑफ योर क्लाइंट्स आउट देयर सो इस माइंड सेट के साथ चलें कि आपने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलनी है बट अपने क्लाइंट को आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देना है विच विल चेंज देयर लाइफ इन समे सो ट्राई टू गिव क्वालिटी ट्राई टू बी ऑन टाइम ट्राई टू बी पंक्चुअल एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस ट्राई टू गिव द राइट काइंड ऑफ सर्विस दैट यू कैन गिव टू योर क्लाइंट्स गुड लक इन योर जर्नी बिकॉज दिस इज द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम एंड आई होप के वर्ड प्रेस के ना सिर्फ आप एक्सपर्ट बने बट यू ट्राई टू Use your skills to make Pakistan the number one country in the global digital economy.